आज का थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का जो क्राफ्ट होने वाला है वो किचन से रिलेटेड डेकोर क्राफ्ट है। ये एक वॉल डेकोर क्राफ्ट है और इसे आप हैंग भी कर सकते हैं वॉल पर या फिर इसे आप स्टिक भी कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भावनास क्राफ्ट कैफे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की ये किचन डेकोर क्राफ्ट। सबसे पहले तो मैं तीनों शेप्स के बेस तैयार करूंगी, फिर एक एक करके उनको डेकोरेट करूंगी। मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड से स्पैचुला, चॉपिंग बोर्ड और सर्कल के दो दो पीस कट किए हैं। दो दो पीसेस इसलिए कट किए हैं क्योंकि उससे ज्यादा स्ट्रांगनेस आ जाएगी और दोनों पीसेस को आपस में पेस्ट कर लिया है। और सारी शेप्स के जो आउटर पार्ट हैं, उसको मैं मास्किंग टेप लगाकर कवर कर दूंगी। अब तीनों बेस रेडी हो चुके हैं, अब इनको एक एक करके हम डेकोरेट करेंगे। अब हर एक शेप पे मैंने बुकरम पेस्ट किया है। बुकरम जो हमारा सिलाई में यूज होता है ना, कॉलर वगैरह बनाने के लिए, वो लिया है क्योंकि इस पे अच्छे से पेंट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको पहले पेस्ट किया है। अब यहाँ पर वॉल पुट्टी में थोड़ा सा पानी डालकर मैंने डो बनाया है। डो बनाने के बाद मैं कुछ शेप्स तैयार कर रही हूँ यहाँ पर। अब एक एक करके हर एक बेस को रेडी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सर्कल बेस लिया है और उस बेस के ऊपर मैंने येलो एक्रेलिक कलर किया है। आपको जो अच्छा कलर लगे आप वो यूज कर सकते हैं। ये जो व्हाइट कलर का सर्कल है, ये मैंने पुट्टी के डो से एक लेडी का फेस बनाया था जिसे मैंने अच्छे से सुखा लिया है। और अब मैं इस सर्कल शेप के ऊपर जो है इसको पेस्ट कर रही हूँ। और ये एक टैग बनाया था पुट्टी से, इसको भी मैं इस पे पेस्ट कर दूंगी। अब इस पे जो है अपने फेवरेट कलर्स आप कर सकते हैं या फिर आपको अपने माइंड में कोई डिजाइन हो तो आप वो भी बना सकते हैं इस पे। यहाँ पर मैं एक लेडी को पेंट कर रही हूँ जिसके हाथ में मैंने एक बेलन दिखाया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वन है वो है स्पैचुला बेस। अब इसको हम रेडी करेंगे। तो इस पे मैंने रेड एक्रेलिक कलर किया है और ऊपर जो है मैंने एक होल कर दिया है पेंसिल से। अब ये कुछ शेप्स मैंने जो थिन वाला कार्डबोर्ड होता है ना, उससे कुछ शेप्स काट लिए हैं, जैसे कुछ फ्लावर्स हैं, कप्स की शेप्स है वो। अगर आप चाहें तो कप्स वगैरह की जगह फ्रूट्स वगैरह की शेप्स भी काट सकते हैं जो आपको पसंद हो। और इन सब शेप्स को मैंने एक्रेलिक कलर से पेंट कर लिया है। सब पेंट होने के बाद अब एक एक करके इनको इस स्पैचुला पे पेस्ट कर देंगे।
एंड द लास्ट वन इज चॉपिंग बोर्ड। इसके बेस पर मैंने जो कलर किया है वो है पर्पल, और इस बेस पर भी पेस्ट करने के लिए मैंने थिन कार्डबोर्ड से कुछ शेप्स कट करी हैं, जैसे ये जार कट किया है और कुछ एरोज वगैरह कुछ लिखने के लिए मैंने कट किए हैं। आप चाहें तो इसकी जगह जो आपको पसंद हो या आपके माइंड में कुछ और आइडियाज हो तो आप वो कट करके इस पे पेस्ट कर सकते हैं। और पेस्ट करने के बाद इन सारी शेप्स को मैं एक्रेलिक कलर से कलर कर लूंगी, और कलर करने के बाद इन पे कुछ डिजाइंस वगैरह बना दूंगी, और किचन से रिलेटेड कुछ कैप्शंस वगैरह इस पे मैं लिख दूंगी। द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज ऑलवेज लव, क्योंकि दिल से और प्यार से बनी हुई हर चीज का जो टेस्ट होता है वो और बढ़ जाता है। अब यहाँ पे जार में मैंने कुछ डिजाइन वगैरह बना लिए, आपको जो अच्छा लगे जैसी डिजाइन अच्छी लगे आप वो बना सकते हैं। और लास्ट में मैंने इन तीनों डेकोर के ऊपर वार्निश कर दी है। और अब ये तीनों क्यूट से क्राफ्ट बनके रेडी हो चुके हैं। आप इनको बंच में लगाइएगा तो और अच्छे लगेंगे। इसे स्टिक करने के लिए डबल साइडेड टेप का यूज कर सकते हैं, या फिर एक सिलिकॉन का ट्रांसपेरेंट सा डबल साइडेड टेप आता है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो उसको भी यूज कर सकते हैं आप। आई होप आज की क्यूट सी किचन क्राफ्ट आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।